नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में शराबबंदी कानून कहने को कई सालों से लागू है, जिसको लागू करवाने में सरकार के पसीने तक छूट गया है, क्योंकि शराबबंदी कानून का पालन करवाने के लिए और शराबियों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार की तरफ से ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक डिवाइसेस को लगाया जा रहा है। लेकिन मजाल है कि शराब पीने वाले मान जाए, हर दिन के साथ बिहार में शराब पीने वालों की लंबी फहरिस्त देखने को मिलती है और कई लोग हर दिन के हिसाब से इसके आरोप में पकड़े भी जा रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि भले ही नीतीश कुमार सख्ती से शराबबंदी कानून को बिहार में लागू कर रहे हों, लेकिन जो हालत है उससे एक बात तो तय है कि एक तबका ऐसा जरूर है जो नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझता, जिसके बाद से ही जनता और सरकार के बीच में इस मुद्दे को लेकर काफी मनभेद है। क्योंकि शराब पीने वाले जहां एक सुर में कहते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, तो वहीं बिहार सरकार भी हम सुधार कर रहेंगे के स्टैंड पर अड़ी हुई है। इस बीच अगर कोई आकर आपसे ये कहे कि बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पर सीएम नीतीश के शराबबंदी फैसले की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो आप शॉक जरूर होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है जहां पर पिछले 400 साल से भी अधिक समय से शराबबंदी कानून लागू है। यानी कि इस गांव के लोग शराब का सेवन करते ही नहीं है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी कानून लागू करवाना इतना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में ये कौन सा गांव है, वो भी बिहार में ही, जिसके लिए सरकार को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम आपको बता दें कि यह गांव है बिहार के जमुई जिले में। ये गांव जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर जमुई झाझा सड़क मार्ग के दाईं ओर बसा गंगरा गांव है। यहां की आबादी लगभग 4000 है। स्थानीय लोगों की माने तो इस गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता ऐसी है कि पिछले 4 शताब्दी से भी अधिक समय से शराबबंदी कानून लागू है। यहां पर किसी को भी शराब का सेवन करने की छूट ही नहीं है, ना ही कोई ऐसा करने की सोचता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस गांव के लोग काफी ज्यादा धार्मिक है, ऐसे में ये सब के सब अपने कुल देवता बाबा कोकिलचंद की पूजा आराधना करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि 400 साल से भी अधिक समय हो गए हैं, लेकिन किसी ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। शराब क्या, इस गांव के लोगों ने तो दूसरी नशीली चीजों जैसे तंबाकू का भी सेवन बंद कर दिया है। इसको लेकर लोग आज के समय में शपथ ले रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ऐसा करने वालों को दुष्परिणाम का सामना भी करना पड़ा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक समाज में शामिल लोग बरसों से आ रही प्रथा को तोड़कर अलग नियम बनाने में यकीन रखते हैं। ऐसे ही लोग इस गांव में भी मौजूद थे, लेकिन जिसने भी इस प्रथा को तोड़ने की कोशिश की और शराब का सेवन कर गांव में आने की हिम्मत की, उसका कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ है। अब आप इसे संयोग कहिए या फिर सच्चाई, लेकिन अमूमन लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। यही कारण है कि अब लोगों ने रिस्क लेना ही छोड़ दिया है। उल्टा इस गांव के लोगों को तो खुद पर ही गर्व होता है कि जिस कानून को लागू करवाने में बिहार सरकार के पसीने छूट गए हैं, वो कानून इस गांव में नीतीश कुमार की पहल से पहले से ही लागू है। इतना ही नहीं, इस गांव के लोगों ने सीएम नीतीश के इस पहल का पुरजोर समर्थन भी किया है और ये चाहते हैं कि अगली पीढ़ी गांव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गांव समाज को नशा मुक्त रखे और विकास करे, जिसके तहत ही जमुई जिले का ये गांव आज के समय में एक उदाहरण है जहां पर लोगों ने शराब को ना कहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।